अस्सलाम वालेकुम, शफीक लबे जायका में आप सभी का वेलकम है। आज हम लेके आए हैं दही वाले कबाब। इसके लिए हमने ये हाफ के जी कीमा लिया है, ये हमारा चिकन कीमा है। आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। और सारे मसाले हैं ये, अभी डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। और इधर हमने पैन रखा है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, सरसों का ऑयल डाला है। गरम होने देते हैं, ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें सॉफ्ट करना है, कबाब में थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा अच्छे से ये, और खुशबू भी इसकी अच्छी से आएगी। चलाते जाएंगे इसको। ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने दो बड़े टमाटर महीन चॉप किया है, इसको भी डाल देते हैं। इसको भी सॉफ्ट करना है हमें। और ये चार पांच हरी मिर्च है, इसको भी डाल देते हैं। चला के इसको भी छोड़ देंगे सॉफ्ट होने तक। और ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम चूल्हे को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। और इधर हमने चॉपर लिया है, उसमें हमने चिकन कीमा डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको डाल देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट है, आप टेस्ट कर लीजिए जितना चाहिए आपको उतना डालिए। और ये भुना हुआ आधी कटोरी बेसन है। अब सारे मसाले डालते हैं। ये हमारे मसाले हैं, इनको हम डाल लेते हैं। काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही जीरे का पाउडर है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसकी खुशबू कबाब में बहुत अच्छी आती है। हमने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं और अब हम दही बनाएंगे। हमने ये हाफ के जी दही ली है। सबसे पहले हमने जो हमने कबाब फ्राई किया था उसी ऑयल में 1/2 टीस्पून जीरा है, इसको डाल देते हैं। हरी मिर्च है और ग्रेट की हुई अदरक का टुकड़ा करने लिया था, तो डाल देते हैं। भून लेंगे। अच्छे से भूनना है इसको। हरी मिर्च में कुछ चाहत ना आए, अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। और ये लहसुन का पेस्ट है, इसको डाल देते हैं। लहसुन हमारी अच्छे से भुन गई है, जो दही हमने लिया था इसको डाल देंगे। चला लेंगे अच्छे से इसमें। अब हम इसमें ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक 1/2 टीस्पून डालेंगे। और ये 1/2 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट है, चला लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालते हैं। चाट मसाला है, इसको डाल देंगे 1 टीस्पून।
इसमें जो मसाले हैं सूखे हमारे, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून डाल दें, हाफ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर को डालेंगे, धनिया का पाउडर डालेंगे, भुना हुआ है ये वो डाल देते हैं, और जीरा का पाउडर डाल देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये रेडी हो गया है, और इधर हमने दही में पिसी हुई चीनी मिला के रखी है, इसी के ऊपर आप लोग जैसा चाहें सर्व कर सकते हैं। इसको रखें, ग्रेवी डालें और इसको एंजॉय करें। एकदम सॉफ्ट बने हैं ये देखिए, रोटी से भी खा सकते हैं, ऐसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, इतना मेहनत करते हैं हम लोग, और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।